हेलो दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं आज एमपी स्पेशल के 9वें पार्ट की। ठीक है, इसमें देखते हैं जलवायु, ऋतु और वर्षा। ठीक, आपको बता दें मध्य प्रदेश की जलवायु है जो मानसूनी प्रकार की जलवायु है, और जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। उत्तर का मैदान, इसमें विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार। चलिए आपको बता दें उत्तर का मैदान में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म रहती है और शीत ऋतु अधिक ठंडी रहती है। और जो हमारा विंध्याचल का पहाड़ी भाग है, ये ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं रहती है, इसमें सामान्य रहती है, और शीत ऋतु है जो साधारण ठंड रहती है इसमें। नर्मदा घाटी की बात कर लेते हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म रहता है यहाँ का क्षेत्र, और शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। अगला है हमारा मालवा का पठार, इसे सम जलवायु भी बोला जाता है। इसमें ग्रीष्म ऋतु है जो अधिक गर्म नहीं रहती है और शीत ऋतु अधिक ठंड भी नहीं रहती है। ठीक है, ऋतुओं की बात कर लेते हैं यहाँ। तो पहली हमारी शीत ऋतु, इसे स्याला भी बोला जाता है, और शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठ वर्षा भी बोला जाता है। इसका ये नवंबर से प्रारंभ होती है और फरवरी तक रहती है। आपको बताते हैं इस टाइम सूर्य है जो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहता है। शीत ऋतु है, औसतन तापमान इसका रहता है 20.9 डिग्री से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको बता दें कि शीत ऋतु में उत्तर का तापमान रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और दक्षिण का है जो 18 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है इसका। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिसंबर से जनवरी तक हल्की वर्षा होती है चक्रवातों से, वो एक वर्षा है जो गेहूं, चना, मसूर के लिए लाभदायक रहती है। हमारी दूसरी है जो ग्रीष्म ऋतु, इसे यूनाला भी बोला जाता है, ये मार्च से जून तक रहती है। इसका तापमान अधिकतम रहता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, वो औसत तापमान है इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बता दें सर्वाधिक तापमान है जो एमपी का गंज वासौदा में विदिशा में 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और बड़वानी की बता दें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले 48.9 डिग्री सेंटीग्रेड 1995 में देखा गया था। ठीक है, तो अभी गंज वासौदा को माना जाता है उच्चतम तापमान सर्वाधिक। वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं, तो ये जून से सितंबर तक रहती है। इसमें मानसूनी वर्षा होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखता हूँ। ठीक है, अंगली हमारी बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है, अरब सागर से, विंध्य क्षेत्र से भी, मैं अरब बंगाल की खाड़ी से भी होती है, अरब सागर से भी होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है जुलाई अगस्त में 75 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीमीटर। ठीक है, वो महादेव की पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 150-150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात कर लें तो 112 सेंटीमीटर है, और पूर्वी भाग में है जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है उसमें 140 से 165 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और पश्चिमी उत्तर पूर्वी पश्चिमी है जो उसमें कम वर्षा होती है औसतन पूर्वी भाग की। वर्षा के आधार पर हम मध्य प्रदेश को देख लेते हैं, तो इसे चार भागों में बांटा गया है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, आपको सम वर्षा रेखा बता दें तो 125 सेंटीमीटर से ये पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करती है सम वर्षा रेखा। और जो ये वर्षा रेखा है जो सीधी जबलपुर सिवनी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में वर्षा पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर नापी गई है, और भिंड में सबसे कम 55 सेंटीमीटर। आपको बता दें वैधशाला इंदौर में है जो ऋतु संबंधी आंकड़े तैयार करती है। एमपी मध्य प्रदेश में दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, मार्च में सबसे ज्यादा रहता है, और जो सितंबर से अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है इसे द्वितीय गर्मी भी गर्म ऋतु भी बोला जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए दोस्तों,
तो हमने नौवा भी पार्ट देख लिया है एमपी स्पेशल का। अगले पार्ट में हम 10वें पार्ट की बात करेंगे। ठीक, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक।